कल कह रहे थे इस पर विचार चल रहा है, तो उसमें बताया गया था उसको प्रत्यंतर ही मान लो, तेन इदम सादृश्यम, इसको एक अलग ही विज्ञान मान लीजिए, पूर्व से असंबद्ध बिल्कुल है। प्रत्यंतरम में वेत सादृश्यम सियात, सादृश्य को सादृश्य को विषय करने वाला प्रत्यंतर ही है उसे मान लीजिए। न तो न तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादान, क्योंकि जो है वहां पर वाक इति जो है वाक्य प्रयोग अनर्थक, फिर तो वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तेन इदम, यह शब्द जोड़ करके वाक्य जो प्रयोग कर रहे हो तो व्यर्थ है। इदम सदृशम बोलो सीधे, यह सादृश्यम अस्ति, इतना ही विज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तेना शब्द व्याकरण के अनुसार पूर्व कथन का बात है, पूर्व का परामर्शक है। यदि ये नया ही विज्ञान है और पूर्व विज्ञानों से कोई संबंध नहीं है तो तेना शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, ध्यान में ना, तेना शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते वाक्य में, फिर वाक्य अनर्थक हो जाएगा। वे कहते हैं कि इति चेत के साथ जोड़ दो, प्रत्यंतर में सादृश्यम स्याद इति चेत तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोगो अनर्थक स्याद। तेन इदम ये दो शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं आप, वो जो सादृश्य के साथ दो शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं वह वाक्य प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। फिर कैसा होना चाहिए वाक्य, सादृश्य इत्यो प्रयोग प्राप्त नहीं, इतना ही प्रयोग होना चाहिए वाक्य का, सादृश्यम बस खत्म। यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षक न प्रक्रियत है, अब एक उसके बाद तो खत्म कर दिया सादृश्य का, सादृश्य की वजह से भी आप कहें कि जो है ज्ञान धारा चलेगा इत्यादि, वो व्यवस्था नहीं हो सकता। अब एक और बात नहीं कह रहे हैं कि भाई देखो जो दुनिया में प्रसिद्ध है उन्हीं बातों को लेकर जो ऐसा है या वैसा है ये चर्चा हो सकती है, या प्रसिद्ध वस्तु है उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो सकता। यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षक न प्रगृहते तदा स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोषो वा उभयम अपि उच्यमानम परीक्षकाणाम आत्मनश्चार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति। जब मान लीजिए परीक्षक जो शास्त्रार्थ करने वाले लोग लोक प्रसिद्ध कोई पदार्थ को स्वीकार नहीं कर रहे हो, यदा लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षक न परिगृहित, परीक्षकों के द्वारा ग्रहण नहीं किया गया, अखप उस पर चर्चा चल पड़ी, वो चर्चा निरर्थक है। खपुष्प उसका फल कैसा होता है, वो पेड़ कैसा होता है, कब लगता है, किस मौसम में लगाना चाहिए, कब उसका कटिंग करनी चाहिए, ये सब कोई चर्चा करने लग जाए, खपुष्प की लता के बारे में खपुष्प का वृक्ष मान करके, वो निरर्थक है। तद्वत ये भी है निरर्थक हो जाएगा। यदि लोग प्रसिद्ध पदार्थ को स्वीकार नहीं करके आप स्वपक्ष को सिद्ध करने चले और परपक्ष पर दोष देना चाहेंगे तो उभयम अपि उच्यमानम, मैं स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोष होगा, उभयम अपि उच्यमानम परीक्षकाणाम आत्मनश्चार्थत्वेन न बुद्धि संतान मरति, न तो परीक्षकों के बुद्धि में जाएगा न बोलने वाला खुद के बुद्धि के अंदर उस वस्तु की यथार्थता यथार्थ कोई भी बात जो है बुद्धि के संतान में अर्थात विज्ञान संतान को वो प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धि से तात्पर्य विज्ञान, यहां बौद्ध मत चल रहा है, बौद्ध मत बुद्धि मन ये सब शब्द क्या है, विज्ञान के पर्यायवाची है। बुद्धि संतान में विज्ञान धारा का विषय नहीं हो सकेगा। एवमेव ईश्वरता इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम, किंतु होना क्या चाहिए, एवं एव एशो अर्थ, यह पदार्थ ऐसा ही है, इस प्रकार आपको जिस विषय में दृढ़ निश्चय हो उसी के बारे में कहना चाहिए। और जब आपने कह दिया भाई ये बात को हम इस विषय को ऐसा ही मानते हैं घट ऐसा ही होता है, तब दूसरा खड़ा होगा नहीं ऐसा नहीं होता है घट, तब शास्त्रार्थ होनी चाहिए। लेकिन पहले प्रसिद्ध हो और आपका वो दृढ़ निश्चय हो उसमें, तभी उस पर कोई ननु नच कर सकता, उसकी शंका समाधान करके उस तत्व को समझाइए आप। लेकिन जिस विषय में आपको ही निश्चय ना हो उसे क्या सिद्ध करोगे, प्रतिपादन करोगे और परपक्ष दोष निवारण कैसे कर पाओगे। इसलिए कहते हैं एवं एव ये स्वर्थ इति
यत निश्चितम तदेव वक्तव्यम ततो अन्यदुच्यमानम बहु प्रलापितम आत्मनिकिरम प्रख्यापयत। हर उस अन्य वस्तुओं को लेकर कोई बोलने लग जाए वो अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, मैं फालतू बकवास करने वाला आदमी हूं, अपने आप को वाचालत्व सिद्ध कर दे रहा है कि मैं न सर न पैर वाला बातों को फालतू बक बक करने वाला हूं, ये साबित करता अपने आप को। जो व्यक्ति अनिश्चित पदार्थ को लेकर के उभय मत में किसी के भी मत में किसी भी रूप से जो अनिश्चित स्वीकृत नहीं है, ऐसे पदार्थ को लेकर को जो चर्चा करे वह ततो अन्य उच्चमानम, वो क्या कर रहा है, आत्मनः केवलम बहु प्रलापितम प्रख्यापयत। वो अपने आप को मैं केवल फालतू बड़बड़ करने वाला हूं ऐसा अपने आप को प्रकाशित कर ले रहा है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति को कोई इसी बात को कथन करना है तो पहले उस विषय के बारे में उसको सम्यक ज्ञान होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। लेकिन ऐसा दृढ़ निश्चय जो निश्चय आपका है वह लोकानुकूल होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखने की बात है ना, क्योंकि लोक प्रसिद्ध शुरू हुआ है, यदा ही लोक प्रसिद्ध न परिग्रहित तदा आपत्ति है। तो लोक प्रसिद्ध भी हो और उसमें आपका दृढ़ निश्चय भी हो उस पदार्थ के विषय में, उसी का प्रतिपादन करें और उसमें कोई पूर्व पक्ष खड़ा होता है उसका समाधान भी आप कर सकेंगे, अन्यथा तो बहु प्रलापित रूपा दोष आ जाएगा। भवेद भी कदाचित बाह्य वस्तुनि विप्रलंब संभवात तदेव इदम सदृशम वा इति संदेह। नहीं, एक वाक्य छूट गया, न चायम सादृश्या समव्यवहार युक्त, देख रहा हूं कि संबंध कैसे नहीं बैठ रहा है, एक वाक्य बीच में छोटा, वो कह रहे सादृश्य से समव्यवहार हो जाएगा यह भी आपका कहना ठीक नहीं, न युक्त, क्यों, तद भावावगमत तद सदृश भाव अनवगमत, क्योंकि बाह्य वस्तु में जो आप जो सिद्धांत कर रहे वही यह ऐसा आप समव्यवहार करना चाहेंगे सादृश्य से, यह आपके मत में नहीं हो सकता, दूसरों के मत में हो सकता है ना, बौद्ध के मत में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या कर रखा है वही यह ऐसा तद्भाव का ज्ञान होता है सादृश्य में, उसके सदृश यह, दोनों में अंतर है, वही यह कहना उसके सदृश यह कहने में बहुत फर्क है ना, क्योंकि सादृश्यता सदा भेद घटित होता है, जैसे चंद्र के सदृश यह मुख है लेकिन मुख चंद्रमा हो जाएगा क्या, कभी नहीं हो सकता, मुख अलग है चंद्रमा अलग चीजें हैं, उनमें सादृश्यता होती है। और आप कहना है कि वही विज्ञान आगे आ गया है यदि, तो वही यह होना चाहिए, उसके सदृश नहीं होना चाहिए, आप तीन सादृश्यम जब कह देते हो आपको अत्यंत भिन्नता स्वीकार करनी पड़ जाएगी, जैसे उस कपड़े के सदृश यह कपड़ा है ऐसे बोलेंगे तो वही यह कपड़ा है ये नहीं कह सकते आप, दोनों में बहुत भेद है, वही यह वहां बोला जाता है जहां अभेद होगा और उसके सदृश यह वहां बोला जाता है जहां भेद होगा। यदि आप सादृश्यता मानते हो फिर दोनों विज्ञान में अत्यंत भेद माननी पड़ जाएगी, किंचित धर्म की सादृश्यता है दो भिन्न घट है, इस घट के सदृश वह घट है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आकार की सादृश्यता है, ये भी मिट्टी से बना वो भी मिट्टी से बना है कि नहीं, उन सादृश्यताओं को लेकर हम कहेंगे जहां वह वस्तु वास्तविकतः दोनों भिन्न होते हैं, लेकिन यदि आप भेद नहीं मानना चाहेंगे फिर वही यह बोलना चाहिए सादृश्य पर व्यवहार नहीं होगा। और होता क्या है आदमी को, आप ये थोड़े कहते हैं मैं कल दो था संजय वही मैं हूं, ये कहते हो नहीं, कल जो था उसके सदृश में दूसरा हूं, ऐसे कोई बोलेगा, आप अपने आप को जो बोलते हो कैसे बोलते हो, कल के सदृश आज आप हैं कि कल के जो थे वही आप हैं, हैं? यही होगा कि कल जो था वही मैं हूं, ऐसा ही बोलोगे, यानी कि कल जो था उसके सदृश में दूसरा हूं, ये नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए जहां पर अभेद प्रतीति वही यह होता है, पर तदेव इदम स्यात् आगे कहेंगे उस बात को, तद भाव अवगमात तत्सादृश्य तत्सदृश भाव अनवगमाच्च, उसके हम कर रहे थे तद्भाव मने वही यह ऐसा ही अवगम हुआ है ना, तत्सदृश भाव अनवगमाच्च
उसके सदृश मैं हूं, कल के जो था उसके सदृश मैं ये हूं, ऐसा करके नहीं होता। किंतु तद्भाव ही है, तत्सदृश भाव नहीं है। वही आगे समझा रहे थे किसी को, भवेदपि कदाचित बाह्य वस्तुनि विप्रलंब संभवात तदेव इदम स्यात् तत्सदृशं वा इति संदेह। क्योंकि यदि मान लिया जाए बाह्य वस्तु के विषय में कोई विप्रलंबक है, संभव है, बाह्य वस्तु है जो सामने, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति आपको स्वभिन्न वस्तु के बारे में ठग सकता है ना। जो गड़ा एक रखी हुई है, आप भले कहेंगे कल का है जो है वही है या ओके, नहीं नहीं कल के सदृश है या अघट, ऐसा तो बोल सकता है और हो भी सकता है, वहां संभावना भी है ना। आपको तो वही घड़ा जैसे लग रहा है, हो सकता है उसने बदमाशी कर रखा हो, उसको निकाल दिया, कल वाली दूसरी रख दी उसी जगह पर और कह रहा है कि ये उसके सदृश है, इसलिए वो सही हो सकता है और आप जो सोच रहे वही आओ गलत भी हो सकती है। भाई वस्तु के विषय में ये झंझट है। और ये भी हो सकता है कई बार आप सही हो रहे हो, वही है वो, लेकिन दूसरे प्रांति में पड़ा और अगर नहीं कल वाला वो नहीं है, दूसरा घड़ा है उसके सदृश है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वहां पर एतार संशय का गुंजाइश है, कहां स्व से भिन्न बाह्य पदार्थ, लेकिन अपने बारे में कोई कह सकता है, आपको ठग सकता है, नहीं आप वही नहीं है, आप जो है कल जो थे वही आप ही नहीं है, कल जो थे उसके सदृश आप दूसरे पैदा हो गए हैं, ऐसा यदि आपको कोई ठगना भी चाहेगा आपको कोई नहीं ठग सकता। अपने बारे में कभी आपको संशय नहीं होता, वही मैं हूं या उसके सदृश मैं हूं, ऐसा कभी संशय स्व के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, स्वविज्ञान के बारे में कभी नहीं हो सकता है। वही कह रहे हैं भवेदपि कदाचित, हो भी सकता है कभी ऐसा, किस विषय में, बाह्य वस्तुनि विप्रलंब संभवात, वहां ठगों की संभावना है, इसे तदेव इदम भी हो सकता है, तो सदृशम वा इति संदेह भवेत, ऐसा संशय हो सकता है बाह्य वस्तु के बारे में, विषय में स्व आत्मा के बारे में नहीं, स्व विज्ञान के बारे में कभी संशय नहीं हो सकता। उपलब्ध ऋतु संदेहोपि न कदाचित भवति, तुमने किंतु अपने जो उपलब्धा है, आपका अपना स्वरूप है, इस विषय में तो कभी भी किसी को भी कहीं भी संशय नहीं हुआ है। किंतु सभी के अंदर यही दृढ़ है, स एव अहम स्याम तत्सदृश वायति, न कदाचित, जो संशय का आकार बताया केवल, स एव अहम स्याम तत्सदृश वा इति संशयो संदेहो न कदाचित भवति, मैं वही हूं या मैं जो कल के सदृश दूसरा हूं, इस प्रकार का संदेह कभी भी नहीं हो सकता। किंतु अनुभव क्या होता है, या एवाहम पूर्वे द्युरद्राक्षम स एवाहम अद्य स्मरामि इति, यही होता है, जो मैं कल देखा था वही मैं आज दोबारा से स्मरण कर रहा हूं, इति निश्चित तद्भाव उपलम्भा, तद्भाव अवगमात की व्याख्या हो गई और तत्सदृश भाव अनवगमात उसकी व्याख्या इसी से व्यतिरिक्त मुख से समझ लेना है। जिसलिए इसका विपरीत नहीं होता इसे तत्सदृश भाव की उसको कभी भी अनुभूति नहीं होगी। तस्माद पि अनुपन्नो वयावाच का समय, इसीलिए भी ये बौद्धों का सिद्धांत जो है अनुपन्न है। अनुस्मृतिश्च ही थी ना, अनुस्मृति को मानते हुए मानना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, नाश तो अदृष्टत्वात्, और यदि आप कोई स्थिर कारण तत्व को नहीं मानते हो फिर आपको कहना पड़ेगा असत से कार्य की उत्पत्ति कहनी पड़ेगी, अभाव से भाव उत्पत्ति कहना पड़ेगा, असतो न, असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों, अदृष्टत्वात्, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टांत ही नहीं है जब असत से कोई चीज की उत्पत्ति होती हो। इतुश्च अनुपपन्नो वैनाशिक समय, इसलिए भी वैनाशिकों का बौद्धों का जो सिद्धांत है वो अनुपपन्न है। और ये सारी बात जो ध्यान रखना, जब बौद्धों की उन उस पक्ष की बात करें जो सैद्धांतिक और वैभाषिक, उन दोनों की इकट्ठा लिया था ना, बाह्य अस्तित्व
बाह्य वस्तु अस्तित्ववादी हैं, ये बाह्य विज्ञान अस्तित्ववादी लोग हैं, जो बाह्य जगत भी है वो भले किसी के मत प्रत्यक्ष किसी विधान में, लेकिन है तो मान लिया बाह्य वस्तु है, उनके मत को लेकर के इसे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे के अधिकरणों में उनके विपरीत चलने वाले दूसरे आएंगे, अगर बाह्य वस्तु नहीं है, जो कुछ क्षण विज्ञान वाला आएगा तो उसके भी बाद आएगा केवल शून्य वाला, सबके लिए अलग अलग जवाब अलग अलग तरीके से देनी पड़ती है, क्योंकि बाह्य वस्तु मान रहा है तो उसी हिसाब से उसको सिद्ध करना पड़ेगा, यदि बाह्य वस्तु मानते हो तो व्यवस्था तुम नहीं दे सकते हो, तो उसके लिए समझा रहे। और जो बाह्य वस्तु है वो भी क्षणिक है, लेकिन सर्वम क्षणिकम का तात्पर्य जो आपके क्षण विज्ञान भी जो आत्मा है ये भी क्षणिक है, और बाह्य वस्तु विद्यमान है कह रहा है जो, उस मत में भी वो बाह्य वस्तु भी क्षणिक है, इसलिए सर्वम क्षणिक तो दोष दिया जा रहा है, वो सभी के मत बराबर आ जाता है शून्यवादी को छोड़कर। इतश्चनपन्नो वैनाशिक समय यतः स्थिरम अनुयायी कारणम अनपिगच्छताम, क्योंकि कोई स्थिर कार्य में अनुस्यूत जो कारण है ऐसा कोई कारण को वो स्वीकार नहीं करते हैं, न करते हुए उनके मत में क्या सिद्ध होता है, अभावात भावोत्पत्ति ही इत्येत आपतते, अभाव से भाव की उत्पत्ति कहनी पड़ जाएगी, क्योंकि कोई स्थिर कारण तो है नहीं, जो तंतु ताव नष्ट हो जाता है तब पट आ गया है, और जब तंतु और पट का बीच में संबंध कैसे जोड़ेंगे, और यहां आपत्तियां देंगे तंतु ही क्यों उपादान करूं फिर, जब उसके नष्ट होकर के बाद ही पैदा होता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज नष्ट हो जाए, नष्ट होने पर उत्पन्न होना है, कोई चीज नष्ट हो जाए उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद, नष्ट होने का मतलब अभाव प्राप्ति निरोध प्राप्ति हो जाए उसके बाद उत्पत्ति, यदि आप मानते हो फिर तो व्यवस्था कार्यकारण भाव का तंतु को ही उपादान करना, मृतिका को ही उपादान करना घट के लिए इत्यादि व्यवस्था नहीं हो सकेगा। दर्शयंती च अभावात भावोत्पत्ति, पहले अभी उसके पक्ष को बता रहे, वो कहते हैं हाँ जी क्यों नहीं होगा अभाव से भावोत्पत्ति, अभाव से भावोत्पत्ति होती है, कहां देगा, कहते हमारे मत में एक सूत्र ही है, नानुपमृद्य प्रादुर्भावात, न अनुपमृद्य उन्हें कारण का उपमर्दन किए बिना प्रादुर्भाव न प्रादुर्भाव, कार्य से प्रादुर्भाव न पवती, कार्य का प्रादुर्भाव नहीं होता, न द्वय है ना, इसलिए अर्थात क्या उपमृद्य प्रादुर्भाव, नानुपमृद्य का मतलब क्या उपमृद्य, कारण का नाश करके ही कार्य उत्पत्ति होता है, हमेशा न द्वय दृढ़ता और एवं का निश्चय करता है, न अनुपमृद्य माने उपमृद्य प्रादुर्भाव कार्य की उत्पत्ति होती है, उसकी व्याख्या करें विनष्टाद्धि किल बीजाद अंकुर उत्पत्ति है, बीज नष्ट हो जाता है तब अंकुर पैदा होता है, तथा विनष्टाद क्षीराद दही, दूध नष्ट हो गया तो दही बना, इसी प्रकार से मृत पिंड जो पिंड का अवस्था नहीं मान रहा है, मृत पिंड का ही नाश हो जाने पर घट उत्पत्ति होता है, इसको हम लोग कहेंगे वो तो अवस्था है, मृतिका तो अनुसूत, इसलिए मृतिका को ही हम कारण कहते पिंड को नहीं, दूध के जो परमाणु थे जो कण थे जो भी पंचकृत पंच महाभूत है हमारे भाषा के हिसाब से वो वही वहां पर भी अनुसूत है, दही में भी अवस्था अंदर को प्राप्त कर दिया, दुग्ध अवस्था से दही अवस्था को प्राप्त कर गया, इसलिए बीज अवस्था से अंकुर अवस्था को प्राप्त कर गया है, बीज नष्ट होकर अंकुर होने लग जाए तो कोई भी चीज बीज में तो किसी और चीज पैदा होने लग जाएगा, फिर उससे आम्र का बीज आपने बोया जो गुटली आपने डाला तो उसे आम्र वृक्ष ही क्यों, व्यवस्था समझ नहीं दे पाएंगे आप, इसलिए मानते हम लोग उसको अवस्था भेद मानते, बीज अवस्था से हट गए अंकुर अवस्था, अंकुर अवस्था से वृक्षावस्था, अनुसूचित जो पदार्थ है वही है जो बीज का स्वभाव है उसी के अनुसार से, कूटस्थाचेत और वो दोष भी दे रहा है वेदांती पे, यदि कूटस्थाचेत कारणात कार्य उत्पद्यते उत्पद्यत अविशेष सर्वम सर्वदा उत्पद्यत, यदि कहोगे कूटस्थ आत्मा चेतन से जगत पैदा हो गया फिर तो कूटस्थ आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापक है, तो कहीं भी कुछ भी पैदा हो जाए चेतन से फिर आपके मत में भी तो दोष आता है, उपादान क्यों करना किसी चीज की, कि सर्वत्र व्यापक आत्मा है ब्रह्म है,
और ब्रह्म से ही जगत पैदा होना है तो ब्रह्म से आप कुछ ही पैदा करते जाओ, ये सारा जगत ही उससे पैदा हो सकता है तो कुछ ही पैदा हो सकता है ना, तो सब कुछ सब जगह सभी से पैदा हो जाना चाहिए, तो ब्रह्म सर्वत्र है, आत्मा सर्वत्र है, केवल चेतन है। इसलिए कहते के कूटस्थाचल कारणात कार्य उत्पद्य, तो फिर तो अविशेषात सर्वम सर्वदा उत्पद्य, इसलिए कहते हमारा ही मठी तस्मात अभावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो अंकुरादिनाम उत्पद्य मानत्वाद अभावात भावत प्रीति मन्यन्ते। इसीलिए अभाव अभाव स्वरूप को प्राप्त किया हुआ जो बीजादि हैं उनसे ही अंकुरादियों की उत्पत्ति होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसलिए अभाव से भाव उत्पत्ति मानना ही उचित है ऐसा मन्यन्ते वैनाशिका तत्र इदम उच्यते, उनके लिए ही ये जवाब है न असतो अदृष्टत्वात् न अभावात भाव उत्पत्ति, अभाव से भाव उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्यों यदि अभावत भाव उत्पत्ति है तो अभावत्व अविशेषात चेतनत्व विशेषात अभावत्व अविशेषात कारण विशेष अभिगमो अन्य सियात, कारण विशेष को प्राप्त करने की प्रयास जो आप करते हो, घड़ा बनाने मिट्टी देते हो धागे को नहीं लेते हो, ये जो है ना व्यवस्था अनर्थक हो जाएगा। यदि अभाव से भावोत्पत्ति मानते हो, अभाव तो अभाव है, अभावत तो सर्वत्र समान है, सर्व समान है, तो कारण विशेष को जो स्वीकार किया जाता है वह व्यर्थ हो जाएगा। नहीं बीजादि नाम उपमृदिता नाम यो अभाव तस्य भाव से शिक्षणादि निस्वभावत्व विशेषाद अभावत्वे कश्चित विशेष अस्ति, क्योंकि बीजों का विनाश होकर के जो बीज का अभाव स्वरूप है और शिष्य विशान का जो अभाव रूपता है, दोनों अभाव में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जैसा बीज के उपमर्दन होने पर बीज के अभाव अवस्थिति को प्राप्त हो गया, वो बीज अभाव क्या है निस्वभाव वाला है। अभाव को कोई स्वभाव होता है? बीज का स्वभाव है, दूध का स्वभाव है, दही का स्वभाव, सबके अपने अपने स्वभाव है हर चीज की, लेकिन अभाव को कोई स्वभाव है क्या? इसे पृथ्वी का लक्षण स्वभाव क्या, गंध होती पृथ्वी का दिया, इसका स्वभाव है, जहां जहां पृथ्वी होगी आप अनुभव करेंगे वहां गंधवत्व को जरूर अनुभव करेंगे आप, और जहां जहां गंधवत्व है वहां पर पृथ्वीत्व है ना, इसको कहते सहनियम समनियत व्याप्ति, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र पृथ्वीत्वम, यत्र पृथ्वीत्वम तत्र गंधवत्व होना ही चाहिए, तभी अविनाभाव से उसका स्वभाव बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता ना, जहां धुआं है वहां अग्नि है, जहां अग्नि वहां धुआं नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि का स्वभाव धुआं नहीं है, लेकिन जहां अग्नि है वहां उष्णत्व और प्रकाशत्व है, और जहां उष्णत्व और प्रकाशत्व वहां जरूर अग्नि होगा, किन किन रूप में न रहे वो बात अलग चीज है, अग्नि जरूर है, इसी तरह प्रकाश है सूर्य का, और वहां साथ उष्णता भी है गर्मी भी है, इसलिए हम क्या मानते हैं सूर्य को तेजस पदार्थ, सूर्य भी अग्नि रूपा है, कहीं भी आप उष्णत्व और प्रकाश अनुभव करेंगे वो अग्नि का ही स्वरूप है, वो अग्नि बिजली रूपेण है या बल्ब के अंदर प्रकाश दिख रहा है, तो जैसा भी है उसका आकार अलग अलग हो सकता है, इन है वो अग्नि का, इसी यत्र यत्र उष्णत्वम तत्र तत्र अग्नित्वम, यत्र यत्र प्रकाशत्वम तत्र तत्र अग्नित्वम, अतः यत्र यत्र अग्नित्वम तत्र तत्र उष्णत्व प्रकाशत्वम च, ये उभय प्रकार की जो व्याप्ति होने का नाम ही समनियत व्याप्ति, ये वही हो सकता है जहां वस्तु का वो स्वभाव होगा, जहां जहां वस्तु का स्वभाव मान व्यक्त हो, और अभाव का कोई स्वभाव नहीं है, निस्वभाव वाला है, और निस्वभावत्व रूपा जो स्वरूप है अभाव का, ये बीजा भाव में शशृंग में खपुष्प में इत्यादि में सब में समान है, अतएव जिस प्रकार से बीजा भाव से वृक्ष पैदा हो सकता है तो शशृंग से भी वृक्ष पैदा हो जाना चाहिए, यह आपत्ति है। इसलिए कहते देखो बीजादि नाम उपमृदिता नाम यो अभाव, बीजादि जो उपमर्दन को प्राप्त है नाश को प्राप्त किए हुए उनकी जो अभाव रूपता है तस्य अभावस्य उस अभाव का, और शश विषाणादि नांच शश विषाणादि जो अभाव रूप है असद रूप है उनमें निस्वभावत्व विशेषात, निस्वभावत्व नाम का जो लक्षण है वो दोनों में बराबर है, इसलिए अभावत्व कश्चित विशेषो नहीं अस्ति के साधन में, इसलिए अभावत्व में मैंने बीजा भाव में तंत्व भाव में
मृतिका भाव में श्रृंग रूप असत वस्तु में कहीं भी कोई विशेष नहीं है, जिसके आधार न नहीं विशेष होती ये न मान एन विशेष है न। यदि विशेष होता तो उस विशेष के आधार पर आप क्या करते, बीजाद एव अंकुर जायते क्षीराद एव दति इत्येवं जाते का कारण विशेष अभ्युगमो अर्थवान स्यात्। यदि कोई विशेष होता तो ऐसा ग्रहण करना अर्थवान बन जाता, लेकिन जिसलिए उन अभाव में कोई विशेष नहीं है, परस्पर भेद नहीं हो सकता, अतएव बीज को ही अंकुरोत्पत्ति के लिए ग्रहण करना, दही के लिए दूध को ही ग्रहण करना इत्यादि जो व्यवस्था है वो नहीं हो सकेगा। निर्विशेषस्य तो अभावस्य कारणत्व विगमे शिष विषाणादिभ्योपि अंकुरादि जायरन। निर्विशेष अभाव को ही यदि आप कारण स्वीकार करते हो फिर तो शिष विषाणादियों से भी अंकुरादि उत्पन्न होने लगेंगे, फिर तो क्या कहना वंध्या अभी भी बच्चा देने लगेगी, न चैवन दृश्यते, लेकिन ऐसा होता हो देखने को नहीं मिलता। हिजड़े भी बच्चा पैदा कर दें सबके बच्चे होने लग जाए उल्टा सीधा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता। यदि पुनराभाव से अभी विशेष अभिगम्यता, यदि कहोगे नहीं अभाव में कोई विशेषता है, बीज निरूपित अभाव ही अंकुर को पैदा करेगा, जो दूध निरूपित अभाव वही दही को पैदा करेगा, तंत्र निरूपित अभाव वही जो है पट को पैदा करेगा, ऐसे उस अभावों को भी हम विशेषित कर देंगे। कुछ न कुछ लो धर्म और उसे विशेषित कर दो अभाव को, तारे जो विशिष्ट अभाव से पैदा होता है अभाव सामान्य से, ये पूर्व पक्ष कहता है। यदि पुनः यदि मान लिया जाए वो कहें पूर्व पक्ष कहता है अभावस्य अपि विशेष अभिगम्येत, अभाव का भी विशेष हम स्वीकार करते उससे उत्पत्ति होती है, उत्पलादि नाम इव निरत्वात्, जैसे उत्पल है कौन सा उत्पल, आप पूछो भाई श्वेत कमल है कि नील कमल है कि लाल रंग का कमल है, ये तीन रंग के होते हैं, इन बिना विशेषित की केवल कमल भी कहा सकते हैं आप, शब्द प्रयोग कर सकते हैं उत्पलम अस्ति, लेकिन अतिव्याप्ति होने लगता है, जैसा भी आपने हमने कह दिया अभाव से उत्पत्ति माने पर अतिव्याप्ति आपने दे दिया, दोष दे दिया उसे, रोक के उत्पलम अस्ति कहें तो दोष आएगा, तब वहां विशेषित किया जाता है नीलोत्पलम अस्ति, आप बताओ कोई दोष हो तो। उसी प्रकार हम कहें बीजा भावे नहीं व अंकुर न तो पट, ये व्यवस्था हम दे देंगे। यदि ऐसा कहता है तो शिष्य कहते हैं विशेष अभिगमेत उत्पलादनम नीलत्वाद ही ततो विशेषवत्वाद एव अभावस्य भावत्वम उत्पलादिवत प्रसज्यत, इसे विशेष वाला होकर के ही जो अभाव है वह अभाव भावों की उत्पत्ति करता है, जैसा विशेष नीलादि गुण से विशेष होकर के उत्पलादियों को आप ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से, तब भी समस्या क्या होगा, एक आपत्ति आएगी, तभी आप ये नहीं कह सकते ना अभाव से भाव उत्पत्ति, सर्वसामान्य कथन है असतः सज्जायेत, ये सिद्धांत भंग हो गया, आप ये कहना विशिष्ट असतः सज्जायेत बोलना पड़ेगा तभी आपत्ति होगी। और विशिष्ट अभाव क्या है, भाव रूप ही है, आप बीजा भाव क्यों कहना चाहते हैं, क्योंकि बीजा भाव का अधिष्ठान आप देख रहे किसमें, अंकुर में, अंकुर क्या है भाव ही, जब ने वैशिष्टता लाए तो भाव रूपता को धारण कर लेगा, आते हो अभाव से भाव उत्पत्ति का कथन आप नहीं कर, इसलिए यहां तथा से आगे जो ना सिद्धांत का जवाब समझना हो उसमें, ततो विशेषवत्ता एव अभावस्यापि भावत्व, विशेष वाला होने के कारण से अभाव क्या हो गया, भाव ही हो गया, अभाव के अभावत्व ही खत्म कर दिया आपने जब उसको विशेषित कर दिया, जब अभाव को विशेषित कर देते हो वह भाव रूप हो जाता है और अभाव रूपा नहीं रह जाता है, ये सिद्धांत का जवाब तथा से। यदि ऐसा वो मानता है तो यदि उत्पलादियों के अंदर जैसे नीलत्वादि का जैसे विशेष वैसा अभाव के भी विशेष स्वीकार करता है तो तथा विशेषवत्वादेव विशेष वाला होने मात्र से ही अभाव के अंदर अभावस्य अभाव के अंदर भावत्वम
आपद्य तो भावत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार से उत्पलादियों में भी निरत्व से विशिष्ट होने पर क्या अभाव रूप हो गया, क्या उत्पल भाव था उसको निरत्व से विशिष्ट कर दिया तो अपने स्वरूप को त्यागता नहीं, वो तो भाव रूप हो जाता है, भाव रूप था भाव रूप ही रहेगा। लेकिन अभाव का मामला ऐसा नहीं है, जैसे दृष्टांत दर्शन विषम बन रहे पूर्व पक्ष में, क्योंकि वहां पर तो भाव था उसको विशेषित किया भाव से, लेकिन यहां अभाव को विशेषित करोगे किस अभाव से करोगे कि भाव से करोगे, अभाव से अभाव को विशेषित आप कर नहीं सकेंगे, करेंगे आप भाव से, जहां भाव से कर दिए तारस प्रत्येक से निरूपित अधिकरण ने आप लोगे अभाव भाव रूप हो जाएगा, इसलिए अभाव से भावोत्पत्ति कथन असंभव हो गया, ये इनका कारण है। नाप्य भाव कसचित उत्पत्ति हेतु स्यात्, और दूसरी बात अभाव कभी किसी उत्पत्ति किसी भी चीज की उत्पत्ति के प्रति हेतु नहीं हो सकता, क्यों अभावत्ता देव, क्योंकि वो अभाव है ना, और उत्पत्ति क्या है भाव है, उत्पत्ति जो भी प्रकार का कार्य होता है, आपने चार प्रकार से मानते हो ना कार्य जो है निष्पादन करने की तरीका, एक तो उत्पत्ति उत्पाद्यता उत्पत्ति से लेकर के, दूसरा संस्कार ही है संस्कार के माध्यम से संस्कारी मानते हो, तीसरा विकार ही है दूध का दही वैसे, और अंत में प्राप्य आप्य, इन चारों क्रियाओं के द्वारा संपादित वस्तु जो होता है भाव ही होता है, और क्रिया होगी कहां, किसी भी तार्किक से पूछिए क्या वो अभाव में क्रिया मानेगा, घटा अभाव गच्छति बोल सकता कोई, या देवदत्त अभाव गच्छति देवदत्त न गच्छति, ऐसा कौन बोल सकता है, क्योंकि क्रिया जो मानते हैं चाहे कोई भी दार्शनिक है, चाहे न्यायिक है मीमांसक है बौद्ध है जैन है चार्वाक भी हो, भाव में ही क्रिया मानते हैं, कोई भी अभाव में क्रिया नहीं मानता, और कार्योत्पत्ति अनुकूल क्रिया जो चार प्रकार की क्रियाएं मानी गई है वो चारों क्रिया भाव में ही तो होगी, अगर भाव से भावोत्पत्ति होगा कि अभाव से भावोत्पत्ति होगा, यदि अभाव से भावोत्पत्ति करना है फिर अभाव में उत्पत्ति अनुकूल क्रिया माननी पड़ेगी, संस्कार अनुकूल क्रिया माननी पड़ेगी, प्राप्ति के अनुकूल क्रिया माननी पड़ेगी, विकार के अनुकूल क्रिया माननी पड़ेगी अभाव के अंदर भी है या नहीं, तो इसलिए कहते हैं अभाव से भावोत्पत्ति तो असंभव है, अभावत्वादेव शिष्य विषाणादिवत अभावाच्च भावोत्पत्तौ अभावान्वितम एव सर्वं कार्यं स्यात्। और भी एक बात हम लोग देखते हैं, मिट्टी से पैदा हुआ घड़े में मिट्टी अनुस्यूत है, धागों से पैदा हुआ कपड़े में धागे अनुस्यूत है, सोने से बना हुआ कुंडल में सोना अनुस्यूत है, यदि अभाव से कोई चीज की पैदा मानोगे तो उस कार्य में अभाव अनुस्यूत होना चाहिए, लेकिन अभाव अनुस्यूत तत्व ने कहीं भी किसी को अनुभव नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि अभावच्य भावोत्पत्त हो, यदि अभाव से फिर भी भावोत्पत्ति मान लिया जाए तो अभावान्वित एव सर्व कार्य स्यात्, अभावान्वित ही होना चाहिए, तो होने दो ना, क्या दिक्कत है, हम कहेंगे ना अंकुर जो दिख रहा है वो अंकुर नहीं है, वो बीजा भाव तुम देख रहे हो, कहते बीजा भाव कोई देख ही नहीं सकता, न चैवं दृश्यते कि निर्दृष्टान का अभाव को कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता, इसलिए अभावानुस्यूत को देखना चाहेंगे आप अभावानुस्यूत वस्तु कार्य को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं, न चैवं दृश्यते सर्वस्य च वस्तुना स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मना एव उपलभ्यमानत्वात्, कि जितने भी घटपट आदि वस्तु हैं सर्वस्य वस्तुना स्वेन स्वेन रूपेण, अपना अपना जो उनका स्वरूप है ना वो भी कैसा स्वरूप, भावात्मक जो स्वरूप है उसी के द्वारा सभी को उपलब्धि होता है, अनुभव में आता है, न च मृदन्विता शरावादेव अभाव तंत्वादि विकार केनचित् अपि गम्यन्ते, जैसे देख लीजिए मृतिका से अन्वित जो शरावादी हैं कुल्लड़ादि वे जो कभी भी तंत्वादियों का विकार रूपेण कोई स्वीकार नहीं करता, किंचित न अभिगम्यन्ते, मृद विकारान एव तो मृदन्वितान भावान लोक प्रत्येति, मृत के विकारों को मृतिका से अन्वित होकर के अनेक भावों को घट कसोरा है नहीं सारी चीजों को लोग अनुभव करते हैं, यत्तोक्तम्।
और जो उसने कहा था स्वरूपोप मर्दम अंतरीण नानुपमृत्य प्रादुर्भावत था ना उनका सूत्र, कहते कि भाई बिना स्वरूप मर्दन किए बिना कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, यह उसका जो सिद्धांत क्या रखा था, इसलिए कुटस्थ से भी जगत नहीं हो सकता। वो करे स्वरूप मर्दम मंत्री न कसचित कुटस्थ से वस्तु न कारण अनुपत्ते है अभावाद भावत प्रभावित मरती थी तद दुरुक्तम। ये जो उन्होंने कहा वह उक्ति में दोष ही दोष भरा पड़ा है, ये उनका उक्ति ठीक नहीं। किसी भी वस्तु के अपनी कूटस्थ रूपता को नाश की बिना उसके अंदर कारणत्व ही अनुपन्न है। कसचित कूटस्थस्य वस्तु न, या कूटस्थ केवल आत्मा नहीं ना कोई भी स्थिर, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण से हमें ले चलना है, स्थिरत्व मान लिया आपने तो वह कभी कार्य को उत्पन्न कर नहीं सकता, ये उनका कार्य। कसचित कूटस्थस्य स्थिरस्य वस्तु न कारणत्व अनुपत्ति है, स्वरूप का उनका नाश की बिना उसमें कारणत्व ही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अभाव से भावोत्पत्ति भवित मरती, इसलिए अभाव से ही भावोत्पत्ति माननी पड़ेगी। यदि ऐसा जो उसने कहा ठीक नहीं। स्थिर स्वभावानाम एव स्वर्णादिनाम प्रतिविज्ञायमानानाम रुचिकादि कार्य कारण भाव दर्शनात्, किंतु उल्टा है, स्थिर स्वभाव वालों में ही देखा गया। स्थिर स्वभाव वाले पदार्थ मृत्तिका स्थिर है, तंतु स्थिर है, स्थिर वस्तु सोना भी स्थिर है, दूध भी स्थिर है, उन स्थिर वस्तुओं का ही परिणाम हम देखते हैं कार्य। गोई करे स्थिर स्वभावानाम कुटस्थ स्वभावानाम नित्यानाम स्वर्णादि नाम प्रतिविज्ञायमानत्वा, जो कौन है स्वर्णादि कारणों का प्रतिविज्ञा हो रहा है। कुंडल जब बन गया ये ना समझे कि वह स्वर्ण नहीं रह गया, स्वर्ण का नाश होकर के कुंडल पैदा हो ऐसा कहीं किसी को अनुभव में नहीं होता है। रुचकादि मैंने वही कुंडल आदि का जो है आभूषण होगा आदि कार्य कारण भाव दिखा गया है। येषु भी बीजादिषु स्वरूप मर्द लक्ष्यते, जहां कहीं भी आप देख भी रहे ना, जैसे दूध हो गया नष्ट हो गया दही हो गया है, अब वो दही में दूध ढूंढिएगा तो मिलेगा क्या? अरे घड़े में तो मिट्टी मिल भी जाएगा, तोड़ फोड़ करे तो वापस हो कण बन जाएंगे, मिट्टी धूल बन जाता है, और कुंडल वगैरह है उसको गला दिए वापस सोना मिल जाएगा आपको, लेकिन दही को नष्ट कर दो वापस दूध मिल जाएगा क्या? वहां तो पूरा नाश होकर के हुआ है। ऐसे जहां कहीं भी दिखाई दे रहा है, इस तरह से पेड़ को काट दीजिए वापस बीज बन जाएगा वो पेड़, अंकुर को नष्ट कर दो तो वापस बीज हो जाएगा क्या? नहीं होता। अर्थात बीज नष्ट हो गई अंकुर हुआ, इसका मतलब जहां कहीं ऐसा भी वस्तु दिखाई देते हो वहां के जवाब दे रहे, येषु अपि बीजाशु स्वरूप मर्दो लक्ष्यते तेषु अपि न सौ उपवृत्तिमान पूर्वावस्था उत्तरावस्था यह कारण अभिगम्यत है। वहां भी हमें कोई दोष नहीं है, वहां भी कारण का नाश पूर्व कार्य उत्पत्ति नहीं है, वहां भी कारणग्रस्त अवस्था विशेष का नाश पूर्व अवस्थान्तर उत्पत्ति है, इन कारण तो वही चल रहा है। जो कण इसलिए तो है ना कि भाई नींबू का बीज नींबू का पेड़ होता है, क्यों उस बीज में नींबू के अनुसार सारी चीजें अवयव हैं, वही अब विकसित होकर विशालता को प्राप्त हो रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, उपचय को प्राप्त कर रहे हैं, अपचय को, जैसे हम लोगों का भी शरीर खाया पिया लंबा चौड़ा हो जाता है फिर मर जाता है, खा तो इतना ही 1.5 फुट का 2 फुट का पैदा होता है साथ साथ, और क्या होगा, और 2.5 किलो वजन का होता है, और आप 60 किलो वजन के हो गए हो फिर भी आप वही कहते मैं वही हूं, जो 2.5 किलो का पैदा हो तो वही आप है ना, जब 60-65 किलो वाले दाढ़ी मूछ वाले हो गए हैं वही हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वह जो मूल स्वरूप है उस बीज का अवयव है वो अभी भी अनुस्यूत है। इसको आज की अंग्रेजी भाषा में क्या होता है जीन्स, वो जीन्स तो वही है बोलते हैं ना, आखिरी उसी का तो है, उसी माँ बाप के हैं, वो अभी भी शरीर के अंदर रहेगा, मरने के बाद अब अगले जींस में जब चला जाएगा आपके अहंकार अगले जाएगा उससे साधत हो जाएगा वो जींस से पैदा हो जाएगा, लेकिन उस बीज का जो मूल अवयव थे वे अवयव नष्ट नहीं हुए, बीज का जो एक आकार विशेष था अवस्था विशेष था वो केवल नष्ट हुआ। वे कहते हैं तेषु अपि नासौ उपमृद्यमाना, फिर भी उसके अवयवों को उपमर्दन नहीं हुआ किंतु
पूर्वावस्था उत्तरावस्था या कारणम अभिगम्यते, केवल पूर्वावस्था को हम उत्तरावस्था की प्रति कारण कह देंगे। अनुपमृत्यमानानाम एव अनुयायिनाम बीजादि अवयवानाम अंकुरादि कारण भाव अभिगमा, क्योंकि बिना ही उपमर्दन किए बीजादियों का जो अवयव था वही कार्य में अनुस्यूत है। अनुयायिनाम बीजानाम नहीं, बीजादि अवयवानाम अंकुरादि कारण भाव अभिगमा, अंकुरादि कारण भाव हम स्वीकार करते हैं, कह देते हैं लेकिन बीज ही कह देते हैं, अवयवी का नाम ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में अवयव ही कारण होते हैं। तस्माद् असद्भ्यः शशविषाणादिभ्यः सदुत्पत्ति अदर्शनात्, सद्भ्यश्च स्वर्णादिभ्यः सदुत्पत्ति दर्शनात्, अनुपन्नोयम् अभावात् भावोत्पत्ति अभिगमः। जिसलिए असत् शशविषाणादियों से सदुत्पत्ति नहीं देखने को मिलता और सदउत्पत्ति स्वर्णादि सत पदार्थों से सदपत्ति देखा गया है, इसलिए आपका यह जो अभाव से भावोत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह अनुपपन्न है। इतना ही नहीं, एक तरफ आप अपनी वजतो व्यागा दोषग्रस्त हो जाते बौद्ध लोग, कि एक तरफ वो कहते हैं चार प्रकार का कारण है, पहले भी आपने पढ़ा था आलंबन अधिपति सहकारी समानांतर, ये चार नाम लिया था। आलंबन में विषय, अधिपति मैंने कारण इंद्रिया, और सहकारी कारण जो बाह्य निमित्त है, और समानांतर कारण से आपके संस्कार है, ये मिलके वस्तु को ग्रहण करते हैं, कार्य को उत्पन्न करते हैं। अविद्या पूरे 18 के पीछे चार कारण बताया था आपने, और ये चारों भाव है कि अभाव है बताओ। उसी से पूछा जाए बौद्धों से, इन चार कारणों को जो आप मान रहे भाव है कि अभाव है, चार भाव है, फिर इन चार भावों से तो भाव उत्पन्न हुआ, अभाव से भाव उत्पत्ति कहां हुई फिर? यदि चारों कारण भाव है तो भाव से तो भाव उत्पत्ति आपके सिद्धांत भी है, तो क्यों कहती हो अभाव से भाव उत्पत्ति? दोनों बात कहोगे तो परस्पर विरुद्ध हो जाएगा, स्वयं वजह तो व्याघ्र दोष फंसेंगे आप। अपिच इसलिए भाषाकार का दर्द, अपिच चतुर्भिश चित्त चैत्य उत्पद्यन्ते परमाणुभ्यश्च भूत भौतिक लक्षण समुदाय उत्पत्ति अभिगम्य, ऐसा पहले आपने सिद्धांत स्वीकार कर लिया। चित्त और चैत की जो उत्पत्ति उन चार से होता है और भूत भौतिक की उत्पत्ति परमाणु समुदाय से होता है, ये आपने मान लिया पहले, मैंने भाव से भावोत्पत्ति को पहले स्वीकार कर दे हो, उस सत्कार्यवाद का डर के मारे आप तुरंत कूद जाते अभावाद भावोत्पत्ति कल्पयद भी अभ्युपगतम अपन्नवानैर वैनाशिकै सर्वोलोक आकुली क्रियते। और फिर बाद में आपने क्या किया, अभाव से भावोत्पत्ति कल्पना करते हुए आपने सारा काम का अपना ही खराब कर लिया। आप स्वयं भ्रमित हैं और सारी दुनिया को आपके द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि आप क्या पक्का नहीं हुआ ना, अभाव से भावोत्पत्ति कहीं बोल रहे हो, कहीं भाव से भावोत्पत्ति को कथन कर रहे हो। स्वयं असमंजस में विद्यमान जो व्यक्ति होता है वह स्वयं तो शंका में फंसा ही है और दूसरों को भी व्याकुल कर दिया। यदि उसके चंगुल में फंसेगा जो, वो भी बेचारा बात क्या होगा, बर्बाद तो होगा ही। वही कहते हैं ऐसा अभिगतम आपके द्वारा पुनः ऐसा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से स्वीकृत का ही खंडन करना, अभ्युपगतम में अपन्न वा नहीं, पूर्व में स्वीकृत को ही उत्तर काल में आकर के खंडन कर लेने वाले आप वैनाशिकों के द्वारा मानव सर्वोलोक आकुली क्रियते, बौद्धों से सब लोग व्याकुल किए जाते हैं। उदासीना नाम विचैवं सिद्धि ही, इतना ही नहीं, च मने और एवं इसी प्रकार अर्थात अभाव से उत्पत्ति मानने पर उदासीना नाम अभी जो उदासीन पदार्थ पड़ा है, बीज पड़ा है कि वहां पर आपके जो ड्रम के अंदर गेहूं रखा है वहां भी फसल होने लग जाएगा ड्रम के भीतर, है ना, वहां भी तो अभाव है ना, तो उसे भी होने लग जाए फिर ये समस्या हो जाएगा। इसलिए कहते कि देखो कि उदासीन रूपेण विद्यमान जब पदार्थ है हाँ, तत्त्व कार्य सिद्धि में प्रवृत्त न हुए लोगों को भी सिद्धि अपने अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि होनी चाहिए। जैसे आप स्वर्ग के लिए कोई कर्म मत कीजिए तो भी आपको स्वर्ग मिल जाना चाहिए, क्यों, आप मर जाओगे ना, एक दिन आप अभाव को प्राप्त कर जाएंगे, आप उसके लिए कुछ मत कीजिए लेकिन फिर भी आपको फल मिलना चाहिए।
क्योंकि आपके अभाव से ही कार्य उत्पत्ति होना है, और आप बस सोचिएगा मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, कर्म कुछ नहीं करना, मरते बराबर आपको तुरंत स्वर्ग मिल जाना चाहिए। किसी भी कार्य में प्रवृत्त हुए बिना भी उदासीन रूप में बैठा हुआ व्यक्ति को भी तत्त्व कार्य रूप फल की प्राप्ति हो जाना चाहिए, यह आपत्ति है। यदि चाभावाद भावोत्पत्ति अभिगम्यता एवं सति उदासीनानाम अनीहमानानाम, उदासीनानाम ने कोई भी क्रिया कलाप चेष्टा कर्म करता नहीं, अनिहा मैंने क्रिया चेष्टा कार्य वह को न करने वाला अनियमानानाम अभी जनानाम अभिमत सिद्धि सियात, उनके अभिमत जो स्वर्गादि प्राप्ति है वो सिद्ध हो जाना चाहिए। अभाव से सुलभत्व, क्योंकि अभाव तो सर्वत्र सुलभ है। कृषि वनस्य क्षेत्र कर्मणि अप्रयतमानस्यापि सस्य निष्पत्ति सियात, इधर जो खेती कर कृषक है वह खेती में कोई काम नहीं करे फिर भी जो है उसको सारा फसल कटनी चाहिए। कुड़ालस्य मृत संस्क्रियायाम अप्रयतमानस्यापि, कुड़ाल है मृतिका का संस्कार आदि किए बिना ही उसको भी अमत्र उत्पत्ति सियात, सारे बर्तन भाण पैदा हुआ दिखनी चाहिए। अब भगवान बना के दे दे तो बात अलग है ना, वो गोरबा काका की कहानी में और रात भर में सारे घड़े बन गए, गोण बनाया है तो भगवान लगे थे ना, अपने आप थोड़ो बन गया, अभाव से थोड़ो बन गया, अभाव से थोड़े बन गए। अब भक्त की सेवा भगवान लगे हुए थे बेचारे, तो वो सब बना दिए, तो सारे जगह तो बना सकता है, तो घड़ा बने तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है, लेकिन ये नहीं कह सकते हमारा भाव से भाव उत्पत्ति हो, उसने कुछ नहीं किया फिर भी पैदा हो गया, वहां ऐसा तात्पर्य नहीं है। उसने नहीं किया किंतु उसके स्वामी ने कर डाला, किसने किसने तो किया, उसके लिए किया है इसलिए हो जाते हैं। इसे कहते हैं कि तंतुवायस्यापि तंतुन अतन्वानस्यापि, जो तंतुवाय बैठा है और जुलाहा को हिलाता भी नहीं, तंतु का आतान वितान करता नहीं, फिर भी उसके सामने कपड़े पैदा हो जाना चाहिए। तन्वानस्य इव उसलावस्या, जैसे तनवान जैसी जो कोई दूसरा तंतु आए वो आतान वितान कर रहा है उसके लिए जैसे वस्त्र लाभ होता है, वैसे न करने वाले को वस्त्र लाभ हो जाना चाहिए। स्वर्गापवर्गयोश्च न कश्चित् कथञ्चित् समीहेत, और सबसे भारी समस्या होगी स्वर्ग के लिए मोक्ष के लिए। आप बौद्ध में क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्यों बौद्ध में इतने संन्यास लेकर के बड़े लगे रहते हो, क्या जरूरत है सब करने का आपको, आप ही छोड़ दीजिए, मर जाओगे हो जाएगा निर्वाण। निर्वाण के लिए इतना लफड़ा कर रहे हैं और बुद्ध भगवान सबको जो है शादी करके छोड़ के भाग गया है, साधु बन गया क्यों, फिर मरने के बाद मोक्ष होता तो मर जाते बात खत्म थी। यहां जिस क्षण मोक्ष चाहिए उसी क्षण आत्महत्या कर लो मर जाओ, लेकिन ऐसा तो कोई करता हुआ देखते कि नहीं मिलते हैं आपको, सब कर्म कर्म लगे हुए हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, दिन रात लगा हुआ है, अनेक जन्म संसिद्धि भगवान ने भी कह डाला है, लगे हुए हैं बेचारे इसीलिए नहीं। वही कह रहे देखो कि नचैत युच्यते अभिगम्यते वाक्य अनुचित, ऐसा युक्त भी नहीं है और कोई स्वीकार भी नहीं करता, क्योंकि सभी अपने अपने कार्य प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार का जो है प्रयास में जुड़े हुए रहते हैं। तस्मात भी अनुपन्नो वयम अभावात भावोत्पत्ति उपगमः, इसलिए भी अभाव से उत्पत्ति कथन करना उचित नहीं है। अजय बाह्य जगत्वादी बाह्य अस्तित्ववादी बाह्य वस्तु अस्तित्व को स्वीकार करने वाले होते हुए भी वे क्षण विज्ञान को मानने के कारण से उनके सारा सिद्धांत ध्वस्त हो गया। इसलिए हम लोग भी बाह्य अस्तित्व मान रहे हैं, लेकिन हमें और उनमें अंतर ही है, हम स्थिर कारण मानते हैं, उस स्थिर कारण न मानने के कारण उसका सारा सिद्धांत चौपट हो जाता है।